ऑफ फ्रैक्शन mm ऑफ पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट सेवरल थाउजेंड मीटर्स पर सेकेंड, फ्यू हंड्रेड मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, मेरी बात समझे कि नहीं? नॉर्मली ये कह रहा है कि ये इसकी बात कर रहा, ध्यान से देखना। मैं अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल इस तरीके से कंडक्टर बना लेते हैं, ठीक है, और इसको आप बैटरी से जोड़ दीजिए ऐसे नॉर्मल, ठीक है, इसमें करंट कितना फ्लो करा दीजिए आप, 1 एम्पियर। मेरी बात समझे, जब 1 एम्पियर इस कंडक्टर में फ्लो करता है तो मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, और इसमें आई की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, क्यू डिवाइडेड बाई टी से। नॉर्मली आपने एक और फॉर्मूला देखा होगा, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो इसे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करता है ना। तो ये नॉर्मली कह रहा है कि जब 1 एम्पियर हमारा करंट इसमें से फ्लो होगा, ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में, कह रहा है ये मेटल्स है, मतलब नॉर्मल में मेटल्स लिया हूं इसे, इसकी जो स्पीड होता है ये फ्रैक्शन mm ऑफ पर सेकेंड, मतलब इसके आसपास होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड कह रहा है कि 3×10^8 होता है, ऐसा नहीं होता है, ये गलत लिखा हुआ है। सेवरल थाउजेंड पर मीटर क्या है, थाउजेंड में भी नहीं होता है, ये कह रहा फ्यू हंड्रेड्स इसमें भी नहीं होता है। अच्छा, अगर आपको नॉर्मली कैलकुलेट करना हो, मेरी बात समझे कि नहीं, तो आप एक बार अप्रोक्सीमेटली चेक करना चाहते हैं कि सर सच में कैसे होता है, तो आप आई इक्वल टू एन ई ए वी डी से आप कैलकुलेट कर लेना, इसकी अप्रोक्सीमेटली कोई वैल्यू कंसीडर कर लेना, है ना, इसका रेडियस कुछ कंसीडर कर लेना, एनी मेटल्स का रख देना, और आई 1 रखना है, ई की वैल्यू आपको पता है 1.6×10^-19 होता है, तो यहाँ से वी डी निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली फ्रैक्शन एम एम ऑफ